इलाकों के विकास के लिए हो सकता है उसमें हम पूर्ण सहयोग देने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार द्वारा खास रूप से कांग्रेस शासित विधानसभा इलाकों में जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उन इलाकों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। उन इलाके के साथ जो कार्य पूर्व सरकार द्वारा करवाए गए थे, चाहे वो स्कूल के, अस्पतालों के, सड़क निर्माण के, सिंचाई योजनाओं के और रिक्त पद जो अलग अलग अस्पतालों में, स्कूलों में पड़े हुए हैं, उनको ये सरकार पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर रही है और राजनीतिक दृष्टिकोण से काम कर रही है। तो हमने सभी पंचायती राज से जो चुने हुए लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं उनको विश्वास दिलाया है कि आप अपने काम को पूरे मजबूती के साथ निरंतर करते रहिए। जो भी हमसे सहयोग होगा, आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाने का कार्य, प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने का कार्य, और अगर पूरी तरीके से सरकार नज़रअंदाज करेगी इस इलाके को तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हम रामपुर क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती के साथ आगे लेकर जाएंगे। और इस इलाके में जो स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने अभूतपूर्व विकास इस इलाके में किया है उसको आने वाले समय में और मजबूती प्रदान करने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे। आपने अभी मंडी जिले का भी दौरा किया, लोगों से क्या विकास के मामले में क्या करना? निश्चित तौर से लोगों में बहुत उत्साह है और जिस गर्मजोशी के साथ लोगों ने हमारा स्वागत और अभिनंदन पिछले कल करसोग में किया, उसके पहले मंडी में किया, तो निश्चित तौर से ये इस चीज़ को दर्शाता है कि लोग आज हताश है, लोग आज बदलाव चाहते हैं। क्योंकि जो ये नारा मंडी का दिया गया था कि मंडी का मुख्यमंत्री है और मंडी में ही सारा विकास हो रहा है, मैं समझता हूँ कि मंडी के और इलाके सिराज को छोड़कर बाकी सब इलाके जो है पूरी तरीके से हताश है। और तो और जो डीसीपी का फंड होता है, जो डिप्टी कमिश्नर द्वारा दिया जाता है, वो भी जो और विधानसभा क्षेत्रों में देना था मंडी जिला के, वो भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके जो है वो सिराज में दिया जा रहा है। और जितना रोज़गार मंडी में दिया जा रहा है वो भी केवल धर्मपुर और सिराज तक ही सीमित है। तो निश्चित तौर से मंडी के जो और करीबन 9 हलके हैं, विधानसभा हलके हैं, वहाँ पे लोगों में बहुत रोष भी है, गुस्सा भी है। और जो उनके साथ एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जिला